Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध। हमने समझाया था उन्हें भ्राताशिव, जो भी उसके प्राणों के संकट का कारण मैं हूं। ना मैं यहां आता, ना वो मुझे अपना रक्षक समझकर मेरे पीछे आता। स्वयं को दोष मत दीजिए भ्राताशिव, दोषी वो भी है। उसे हट नहीं करना चाहिए था, ना वो हट करता ना उसके ऊपर ये संकट आता। किंतु अब मैं उसे संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता, उसके और उसके विश्वास की मुझे रक्षा करनी होगी। उन राक्षसों के चंगुल से उसे मुक्त कराना हो। आपकी बात उचित है भ्राताशिव, किंतु माता उनको संकट से निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है। भ्राताशिव, आपसे मेरी असहमति नहीं, किंतु पहले मित्र तो फिर मित्र धर्म के निर्वहन में हमें विलंब नहीं करना चाहिए भ्राताशिव। हाँ चलिए भ्राता। साकेत कहाँ हो तुम? ये तो किसी पशु का स्वर है। हमें क्षमा कर दीजिए जल्दी जी। नहीं नंदी जी, ये चारों भ्राता कठोर दंड के भागी हैं। अब श्राप वापिस ले लीजिए, हमें दुष्कर्म से मुक्त कर दीजिए नंदी जी। अब हम कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे नंदी जी, कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाएंगे। नहीं नंदी जी, इनकी कथनी और करनी में समानता नहीं है। ये विश्वास के योग्य बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमें शाप मुक्त कर दीजिए नंदी जी। ये केवल मेरे प्रभु के हाथ में है, मैं तुम्हें शाप मुक्त नहीं कर सकता। उठो तुम सब। तो अब क्या विचार है, मानोगे मेरी बात या मैं पुनः? नहीं नहीं, हम आपकी बात मानेंगे नंदी जी। तो शीघ्र कैलाश छोड़कर जाओ। हाँ चले जाएंगे। चलो भ्राता, जाएंगे कहाँ? बालशिव के पास, वहां जाकर उनसे शाप से मुक्त होने का अनुरोध करेंगे। नंदी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद कैलाश पर पुनः शांति वापस लाने के लिए। कैलाश मेरे प्रभु कह ऋषि भृंग और उनके अनुपस्थिति में इसकी प्रतिष्ठा और शांति को अखंड रखना मेरा भी तो दायित्व है। साकेत,
मुझे क्षमा करो मित्र, मैं उस थानों से तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। धिकार है ऐसी शक्ति पर जो समय पर काम ना आ सके, और धिकार है ऐसे मित्र पर जो अपने मित्र के विश्वास पर खरा ना उतर सका। अपराधी हूँ मैं तुम्हारा, और संभवतः अपराधी हूँ मैं अपनी माँ का भी। मेरे इस अपराध की कोई क्षमा नहीं। सब हम अपने कुटुंबी को आहत करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। अंत कर देंगे हम तुम्हारा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।